आप ये देखिए, 38 लोगों को फांसी दी गई है। अगर उनके नाम देख लिए जाए तो समाज शास्त्रियों के लिए, जेएनयू के प्रोफेसर के लिए, जो लिबरल गैंग है उनके लिए ये सबसे बड़ा शोध का विषय है कि 38 के जो नाम में क्या समानता है। सारे लोग एक ही जाति, एक ही बिरादरी, धर्म के हैं, जिनको फांसी दी गई, जो बम ब्लास्ट में थे। मैंने इसीलिए बोला, अपराध को रोकना सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार ने बहुत इफेक्टिव काम किया है, लेकिन समाज शास्त्रियों की, समाज की भी जिम्मेदारी है। एक परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे की ग्रूमिंग ऐसी करे कि वो चाहे कुछ भी कर ले, भूखा पेट हो जाए, लेकिन अपराध की तरफ वो न जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं जिनको खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो अपराध की तरह नहीं गए, वो भूखे पेट सो गए। और यहाँ केवल ग्लैमर के लिए, वोट के लिए लोग अपराधों की तरफ जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला, सरकार को अब माइक्रो लेवल पे जा करके कि सोशल रिफॉर्म क्या करने चाहिए, ताकि अपराधी किसी फैमिली में कोई बच्चा अपराधी बने ही ना। जो स्ट्रीट पे अपराध हो रहे हैं, छोटे मोटे जो चैन की चुनौती होती है, मंगलसूत्र की चुनौती होती है, जनता के अंदर 100% सेफ्टी की भावना तभी आएगी जब एक सिंगल कॉल पे किसी की भी कॉल गई कि भाई मेरी चैन जो है छीन ली जो है, और तुरंत उस पर एक्शन हो। ज्यादातर अभी भी इन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, रजिस्टर करके फिर उसको ढूंढा नहीं जाता है। मैं पराकाष्ठा तब मानूंगा कि किसी का मोबाइल अगर गायब हो जाए बस में, सड़क पे, और वो मोबाइल 2 दिन के भीतर ढूंढ करके उसको वापस लौटा दिया जाए। कम से कम इस लेवल से तो कंप्रोमाइज सरकार को नहीं करना चाहिए। किसी की भी सरकार है, मैं बोलूंगा कि अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस रखिए। किसी की भी कोई चीज छिनती है, माइक्रो लेवल के अपराध की बात कर रहा हूँ, तो उस पे भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो जिस तरह से बहुत जरूरी बातें इस चर्चा से निकलकर सामने आई, और ये भी बात सामने आई कि जब भी कोई कार्य हो वो राजनीति से ऊपर उठकर हो, और हर एक व्यक्ति को एक इकाई मानकर तमाम सुधार किए जाने चाहिए। तमाम